पैसे के लिए लॉकडाउन में एक एक पैसा भारी भवाला है कि लॉकडाउन ने बता दिया पैसा क्या हो। हम तो ऑटो रिक्शा चला रहे। अरे बाबू क्या नाम है आपका? नाम कर ले ले क्या नाम है आपका? रफीक भाई माशाल्लाह कह रहे हैं कि पिछले साल 1600 रुपए दिया था और इस साल 500 दूंगा, लॉकडाउन में मार दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके हालात को बहाल कर। सब लोग मतलब उसकी चोट खाए हुए हैं लॉकडाउन के चलते। तो पैसा पैसा होता है, हमारे घरों के बच्चे उनको पैसे ना दीजिए तो आई हेट यू। वाकई रफी भैया और पैसे दे दीजिए, आई लव यू माय डैड। अरे बड़ी शक्ति है उसकी, लेकिन नाते नबी पढ़ते पढ़ते अगर फिर जाए तो सब कहे रसूल रसूल। कोई मिसरा मार गया है रसूल में कबूल हो जाए तो मेहनत मेहनत में। और जन्नत की क्या बात करें, जन्नत तो मेरे नबी के कदमों की धूल है, वो सदका है रसूल। हाँ तो मैं ये कह रहा था रब अर्श बड़ी पर बुला। हामिद रजा भाई कमो भी 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, मगर किसी को अरशे आजम पे बुला के रब ने अपना जलवा नहीं दिया। और अगर दिखाया तो मेरे रब ने अरशे बड़ी पर बुला। आप लोगों को पसंद आ रही है? अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आपके पसंद वाली कल समाप्त फरमा। आज हमारे गुलाम नबी दोस्त थे,
इनके भाइयों ने इनकी पूरी फैमिली ने अपने वालिद के साले सवार के लिए उमर फले पाग रचाई जलसा रचाया आप लोगों को बुलाया सलम देवी को बुलाया लेकिन अंदर की बात है एक बात और बताने के लिए जलसा कर इस साले सवाब के लिए तो करवाई है लेकिन एक बात और बताने के लिए वो बात बताने जा नबी भाई चैलेंज कर रहे हैं बदअकीदों को नबी के गुस्ताखों को जो अपनी तरह मेरे नबी को बशर कहते हुए नजर आते हैं अब गुलाम नबी भाई उनसे मुखातिब है उन बदअकीदों से कह रहे तौबा तौबा कहो मेरा गुलाम नबी भाई ने चैलेंज किया उन बदअकीदों को क्या बोल करके कि तौबा सानी मतलब उनके जैसा कोई दूसरा सानी मतलब उन्हीं की तरह कोई दूसरा अरे उनका सानी कहां मिले उनका सानी प्रोग्राम कर रहा हूँ रात में जागना दिन में दूसरे प्रोग्राम के लिए भागना रेस्ट नहीं मिल पाता है इसीलिए आवाज नहीं है ना लेकिन आका की मोहब्बत में डूब के पढ़ रहा हूँ आप इनाम दो है ना तो दुआ दे देना कि ईमान सलामत ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है रफीक भैया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा अब हमारे रफीक भाई हामिद रजा भाई गुलाम नबी भाई मुशाहिद रजा मुजाहिद रजा इनके भाई लोग पूरे घर वाले हमारे बबनी के ये सारे सुन्नी सही मुसलमान हमारे प्यारे प्यारे भाई सब मिल करके एक बात कहने लगे असलम गोंडवी जरा इसको माइक में बोल दो सबकी तरफ से मैं बोलने जा बोलू बोलू कह दीजिए जा रसूल कह दीजिए सुभान अल्लाह अब मेरे आकर यहाँ पावर बोला जाता है डूबे सूरज डूबे सूरज को वापस बुला इन बदअकीदों की मेहरारू के साथ चली गई बताना ये चाहता हूँ देहाती इनके मेहरारू रिश्याग नहरे चली जाए बुलावा चाहे वापस ना ही बुला पाओ पावर ही नहीं है पावर लेस मेरे रसूल को खुदा ने कितना पावर दे दिया सूरज डूब गया उसको अली के लिए वापस बुला हम पावरफुल वाले नबी की बात कर रहे हैं पावरफुल नबी की बात कर रहे हैं उन्हीं के उम्मती सुभान अल्लाह हमारा उन्हीं से कनेक्शन है अल्लाह पाक सलामत रखे और चांद तो
मान ले जाए। डूबा सूरज को वापस बुलाया और रफीक भैया चांद दो टुकड़ा करके हमारी भाषा का जाहिर है, हमारे मोहतरम